फालतू बैठी हूँ यहाँ पे। क्लास सीट पे कान बंद हो जाते हैं, आप पे जुर्माना लगता है, और इंजीनियरिंग करने के बाद यूट्यूब पे आते हैं। चक्कर नहीं है तेरे को? सफा चट कर गई, एक भी गिराई नहीं खिलाई मेरे को, ना इडली की ना सांबर की। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मतलब लिटरली एक चखा भी नहीं मैंने। झूठ बोल रही है, बहुत झूठ बोलती है, ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा ही है। क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी तू? क्या हमको लास्ट सीट मिली है? मैं गवाह हूँ, ये बोल रही थी अभी कि हमको लास्ट सीट मिली है। बैठने की आदत है मेरे को नहीं है, मैं फर्स्ट बेंचर थी, ठीक है? बोलती है लास्ट सीट मिली है। मैंने बोला क्या झटके हटके लगेंगे क्या? तो बोलती है कि लास्ट सीट पे कान बंद हो जाते हैं। क्यों? पहली सीट पे कान खुले हुए रहते हैं, लास्ट सीट ऐसा कुछ है क्या? वहाँ पे सिस्टम है क्या? सीट्स होती है मिड वाली, उसमें ऐसे कान में इतना दर्द नहीं होता है। बोलते ऐसी जैसे थीसिस कर चुकी है एरोप्लेन पे, बीच वाली, आगे वाली, पीछे वाली। मुझे बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों, कान में इसको नहीं होता इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका ध्यान मत दिया करो यार, ये कुछ भी बोलती है। एक सेकंड मैंने इसकी बात सुनी, मैं थोड़ा चलमला गया, मैं एकदम सर में दर्द हो रहा है। ये ब्लॉगर का धर्म होता है, अगर तू विंडो सीट के बाजू में बैठी है, फालतू बैठी मैं यहाँ पे, तो तेरे को टेक ऑफ और लैंडिंग का वीडियो लेना होता है, और अगर आपने नहीं लिया तो आप पे जुर्माना लगता है 25 लाख रुपए का। 25 रुपए उसको 8 × 100 × 100 × 100 करना। 100 × 100 × 10 I never make sense. Tell me any vlog. Sorry, मैं बहुत इंग्लिश जान रहा हूँ, कोई भी कैसा ब्लॉग उठा के बता दो मेरा जिसमें मैंने सेंस बनाई हो। दूसरे लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती थी, आजू बाजू के लोगों का सर दुखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से कोई इवेंट पे नहीं चलेगी मेरे साथ, कोई नहीं बोलेगी जादू है, बोले हाँ मैम आ रहे हैं ना, फिर मैं नहीं आऊंगी। फिर मैं नहीं आऊंगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कहाँ पे? हम पहुंच गए इंदौर में। तो जी हाँ भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक नए वी लॉग में, और इस वी लॉग में मैं पहुंच गया इंदौर। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आया हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ एक स्नीकर फेस्ट के लिए। यहाँ पर एक स्नीकर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया grail.og ने, तो मुझे इन्वाइट आया, मैंने बोला वाई नॉट यार, मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है स्नीकर्स का, तो मैं यहाँ पर आ गया। और एक और मेन बात थी, क्योंकि यहाँ पे इंदौर से मुझे इतने सारे फैन मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, डीएम्स करते हैं कि प्लीज आप इंदौर आओ, इंदौर आओ, तो हम इंदौर आ गए। और अभी हम लोग जाएंगे फेस्ट पे, और वहां पे हमारे फैंस से मिलेंगे, मीटअप शीटअप करेंगे और मजा करेंगे। चलो आज भी कसम से बोल रहा हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मैं जब जिस पीसी पे बैठ के अपलोड दबाता हूँ, सामने भगवान का मूर्ति है, देखता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, अपलोड दबाता हूँ, माय वर्क इज डन, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ तक आना था, मुझे अपलोड करना था, मुझे कॉन्टेंट बनाना था, बिकॉज दैट वॉट मैटर। I
एंड यू कैन ऐड डिफरेंट मोड्स व्हाइल यू आर वॉकिंग कैन काउंट द स्टेप्स. मतलब इसमें अगर मैं ये पहनूं तो इसके अंदर पैर जाएगा, मेरे पैर के हिसाब से फिट भी होगा, पैर का सारा साइज जो भी है एक बटन पे. उसके बाद ये चार्ज होता है, इसका चार्जर इसके अंदर डाला हुआ है, उससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो. उसमें आप हर तरीके की उसमें बैटरी फंक्शंस ये सब देख सकते हो, आपने स्टेप्स कितने काउंट किए. बेसिकली इसमें एप्पल वॉच का भी फीचर है, इसमें आईफोन का भी फीचर है, इसमें नाइकी का भी फीचर है, इसमें सारे फीचर है. जब बैक टू द फ्यूचर में हुआ था ना, द टेक्नोलॉजी वॉजंट रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट दे डिड इज देवर कैमरा के बाहर के फ्रेम में देवर पीपल हु आर हैविंग स्ट्रिंग्स. तो उसने जब वो बटन दबाया एंड द लेसिंग हैपेंड, इट वाज एक्चुअली कोई खींच रहा था वहां से स्ट्रिंग. सो तब वो टेक्नोलॉजी हो नहीं पाई. तो टिंकर हैटफील्ड करके जो डिजाइनर है उसने ऑलमोस्ट 20 साल बाद, क्योंकि उस समय में ना वो जो बैटरी लगती थी, जो मशीन लगता था वो करने के लिए, उतना मिनिएचराइजेशन नहीं था तब. बट व्हेन टेक्नोलॉजी बिकेम बेटर एंड छोटा बना सके वो टेक्नोलॉजी को एंड दे कुड इंप्लीमेंटेड इन स्नीकर्स, उन्होंने एक्चुअली वो जूते भी बनाए. तो ये तो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है. आई थिंक दैट दैट इज दिस इज मेड एयर मैक्स इन 2022 उसी दौरान एंड दे डेडिकेटेड दैट टू बैक टू द फ्यूचर. लाइक उसके 25 साल के एनिवर्सरी या 20 साल के एनिवर्सरी के टाइम पे उन्होंने वो बनाया था. सो दैट वाज अ रिवॉल्यूशन बाय नाइकी. जो सोचा था वो बना के दिखाया. अमेजिंग. तो ये है, मतलब इसके लिए नाम है ना, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज़ दे आर गोइंग ऑन एंड ऑन, नया करना है, कुछ नया करना है. एब्सोल्युटली. नहीं नहीं, रात नहीं है, सुबह है. दिस इज डे 2, सुबह के 5:30 बजे और स्नीकर फेस्ट खत्म हो चुका है. कल रात को खत्म हुआ. बहुत ज्यादा मजा आया. बहुत अच्छे अच्छे स्नीकर्स डिस्प्ले पे थे और सेल करने के लिए रखे हुए थे. बहुत मजा आया, लोगों से इंटरेक्शन हुए. मिहिर सर से मिले, स्नीकर एक्सपर्ट. उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई स्नीकर्स के बारे में, जो मैं सारी की सारी चीजें व्लॉग में इंक्लूड तो नहीं कर सकता हूँ, बट रियली कूल थिंग्स जो आपको उनके पेज पे मिल जाएगा, जो कि पेज नीचे कहीं पे लिंक्ड होगा डिस्क्रिप्शन में. प्लीज डू चेक एम आउट. मिहिर जोशी टॉक्स भी है उनके, दे डू रियली गुड टॉक्स. एंड सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमको अभी पकड़नी है प्लेन उड़ते उड़ते तो नहीं पकड़ना है, बट उड़ के वापस तो जाना है. मैं तो निकलूंगा अभी. सिमरन उठी है नहीं उठी है मेरे को तो वो भी नहीं मालूम. जाके देखता हूँ उसके डोर पे, नॉक करता हूँ. अगर उठी तो ठीक है, साथ में चल देगी, वरना मैं खुद चल देगा. लेके जाना पड़ेगा यार उसको. क्या बोल रहा हूँ मैं. हेलो, तू तो लिटरली नाइट ड्रेस में चल रही है. नाइट ड्रेस नहीं है, ओवरसाइज टी-शर्ट है, फैशन है अभी का. नींद आ रही देखो बहुत ज्यादा. क्यों? सुबह के 5:30 हुए. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एकदम जो लोग ऐसे इरिटेटेड नहीं बैठे रहते लाइफ से कि सुबह को 5:30 बजे उठ के मेरे को स्कूल जाना है, वहाँ पे असेंबली में खड़े रह के टीचर को जवाब देने हैं. चलो 5:30 बजे अपनी फ्लाइट है. अरे आजकल के लड़के ना. तूने नहाया? मैंने नहाया. तूने नहीं नहाया? नहीं, एडिट में नहीं कटेगा. We are here at the airport and with our grails.og. जिन्होंने सब फाइनेंस किया, सब कुछ मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया. तो बहुत मजा आया. सीरियसली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू इंदौर. हम लोग भागेंगे नहीं तो हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा, फिर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा. तो लेट्स गो. एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं? देख तेरा ऐसा माइंड घूम जाएगा. बी प्रिपेयर्ड. एकदम ऐसा गोल गोल घूम जाएगा. ऐसा ऐसी चीज बताऊंगा. बात बताओ. पक्का? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आर यू रेडी फॉर इट? सी, एयरपोर्ट बोला जाता है, बट शिपिंग डॉक बोला जाता है, एंड रेलवे स्टेशन बोला जाता है, एंड बस स्टैंड बोला जाता है. जबकि रेलवे स्टेशन बोला जाता है जबकि स्टेशन होता है बस का. एयरपोर्ट बोला जाता है जबकि पोर्ट होता है शिप का. शिपिंग डॉक बोला जाता है जबकि डॉक होता है रेलवे का. जिन लोगों के पास इतना दिमाग होता है ना, वो ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं लाइफ में. और इंजीनियरिंग करने के बाद यूट्यूब पे आते. सो नाउ यू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग यूजिंग सो मच. लेकिन देखो चक्कर आया क्या? नहीं. देख फिर ऐसा तो करना पड़ेगा ना. अभी आया चक्कर? अभी आया. देख मैंने बोला था चक्कर आएगा तो संभाल के रहना. चक्कर आया? आया कि नहीं? चक्कर नहीं आया. देखो अभी आया चक्कर.
वॉक करती है वहाँ पर? बहुत मारोगे और बहुत देर तक मारोगे, मुंबई की ना एक बात है, अगर आप गलती से डोमेस्टिक फ्लाइट से फ्लाई कर रहे हो और आप गलती से ना T2 टर्मिनल पे अगर आप लैंड हो जाते हो ना, तो आपको ना आधा इंडिया वॉक करके जाना पड़ता है ताकि आपको एग्जिट तक जा पाओ। ऐसा मतलब लिटरली ऐसा 25-30-50 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है टूवर्ड्स द T1, फिर लेफ्ट मार के और 25 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है, फिर वहां से आप टैक्सी पकड़ के घर जा सकते हो। तो हम लोग अभी वही कर रहे हैं। कितनी देर से हम वॉक कर रहे हैं? कुछ 5-6 घंटे से कर रहे होंगे, 5-6 घंटे से कुछ वॉक कर रहे हैं। हाँ, वही 5-6 घंटे से वॉक कर रहे हैं हम लोग तो जिस तरीके से वॉक कर रहे हैं उस तरीके से वीलॉग होता है खत्म। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बताओ वीलॉग में कमेंट में ये वीलॉग कैसा लगा। और बाकी तो आपको बताया आप, तो हमें तो चल रही गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग एंड स्नीकर एड्स नीचे स्नीकर कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं, बाय।